7.5 ऊतकों के कार्य फंक्शन ऑफ टिश्यूज। अभी तक हमने यह समझने का प्रयास किया कि ऊतक कोशिकाओं के समूह व उनके बाहर पाए जाने वाले वातावरण का सम्मिलित रूप है। इन दोनों की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप ही एक प्रकार के ऊतक एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं, ऊतक एक प्रकार के द्रव से घिरे रहते हैं। यही द्रव ऊतक के चारों ओर का वातावरण होता है। इस द्रव के संगठन और आयतन में परिवर्तन ऊतक के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसके लिए विभिन्न लवणों की निश्चित मात्रा अत्यंत आवश्यक है। सभी ऊतकों, चाहे वे जंतुओं में हों या पौधों में, को इस द्रव के उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊतकों के बीच का द्रव इनके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः सभी बहुकोशिकीय पौधे एवं जंतुओं में कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र की व्यवस्था होती है। ये उनके विभिन्न जैविक कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे सजीवों में प्रजनन के लिए एक अलग व्यवस्था और उत्सर्जन के लिए एक अलग। अतः हम यह कह सकते हैं कि पौधों और जंतुओं के शरीर में श्रम विभाजन होता है। उदाहरण के लिए जाइलम एवं अस्थि दोनों ऊतक हैं, जो क्रमशः पौधे और जंतु को सहारा देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जाइलम लवणों और पानी का संवहन करते हैं और अस्थियां आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसी भी एक अंग में कम से कम दो ऊतक होते हैं, जो विशेष व्यवस्था में संगठित होते हैं और मिलकर एक या अधिक कार्यों को करते हैं। जैसे पत्ती पौधे का एक अंग है और आँख जंतुओं का। पत्ती पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण व रंध्रों की सहायता से हवा के आदान प्रदान का कार्य करती हैं और आँख देखने का। पौधे के प्रकाश संश्लेषण करने वाले भाग और जंतुओं की आँख में कुछ ऐसी क्षमता है कि वे प्रकाश की सहायता से काम करते हैं। जहाँ पत्ती को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वहीं आँखों को देखने के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो अतिशीघ्र वृद्धि भी करते हैं और विभाजन की क्षमता भी रखते हैं। ये लगभग शरीर के सभी भागों में उपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए त्वचा और वे सभी ऊतक जो अंगों की आंतरिक सतह बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो शरीर में भरण पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। ये रेशे युक्त ऊतक हैं, जैसे जंतु में पेशियां और पौधे की संवहन ऊतकों में पाए जाने वाले रेशे। ये दोनों ही सहारा और लचीलापन प्रदान करने के साथ साथ एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। इनमें अतिशीघ्र वृद्धि करने की क्षमता भी होती है, जिससे वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया सरल होती है। पादप और जंतु ऊतकों के कार्यों में समानताएं बताएं। क्या आप जानते हैं, जंतुओं में एक सीमा तक वृद्धि होने के बाद सामान्य कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो अभी भी विभाजित होने की क्षमता रखती हैं। इन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। जब भी किसी अंग की कोशिकाएं मरकर झड़ जाती हैं, तो ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर देती हैं। जब स्टेम कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो दो में से एक कोशिका तो विभेदित होकर उस ऊतक की कोशिका का रूप ले लेती हैं, मगर दूसरी कोशिका स्टेम कोशिका के रूप में बनी रहती हैं। वैज्ञानिकों ने
ऐसे स्टेम कोशिकाएं खोजने में सफलता प्राप्त की है जो सिर्फ संबंधित अंग ही नहीं बल्कि अन्य अंगों की कोशिकाएं भी बना सकती हैं। इनकी मदद से क्षतिग्रस्त अंग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्थि मज्जा और नवजात शिशु के गर्भनाल आंवल में भी स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा जाता है।